खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्येष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरविंदर सिंह धुन्ना जी ने उठाई आवाज। उन्होंने कहा, हमारे गुरुओं ने आवाम पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और अपने प्राणों का बलिदान दिया, न कि अपना अलग से एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए, तथा भगत सिंह, उधम सिंह जैसे वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जिसने संदेश है मानस की जात एक के समझो, गुरु ग्रंथ साहब जिसने कबीर, संत रविदास, नामदेव जी से लेके कई संतों की, महापुरुषों की वाणी अंकित है। दुनिया में गुरु ग्रंथ साहब ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब विषयों का, सब भाषाओं का, राम रहीम अल्लाह वाहिगुरु का उल्लेख है। मित्रों, विशेष रूप से मैं ये कहने जा रहा हूँ कि कुछ गलत तत्व खालिस्तान की मांग करते हैं, वे गुरु मर्यादा का भंग कर रहे हैं। हमारे गुरुओं ने कभी भी ये नहीं कहा कि इस तरीके के किसी भी अलग राज्य या सत्ता का समर्थन करो। हमारे गुरुओं ने जो भी शहादतें दी, जो लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके लिए भी खड़े हुए, वो मानवता एकता के लिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शीश दिया, औरंगजेब बादशाह ने जब जुल्म किया था हिंदुओं के ऊपर, तब उनके लिए शीश दिया। तब गुरु जी ने कहा था, अगर ये अन्याय मुस्लिम धर्म पे भी होता तो भी मैं उनके लिए भी खड़ा होता। गुरु गोविंद सिंह महाराज के दो लाल दीवारों में चुने गए, दो मैदान जंग में शहीद हो गए। ये सब शहादतें किसके लिए क्यों है? मेरे मित्रों, खालिस्तान बनाना होता तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कब का बना लिया होता। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने राजाओं को पराजित किया, मगर उन्होंने कभी भी अपनी राज्य सत्ता बनाने का कभी विचार नहीं किया और करने का सवाल भी नहीं उठता था। उन्होंने इंसान ने इंसान से इंसानियता से बर्ताव करने का और जुर्म का विरोध करने का, अंधविश्वास से अलिप्त रहने का संदेश दिया। भाइयों, ये कुछ विदेश में बैठे हुए, कुछ हमारे देश के में आके कुछ लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ राजकीय पक्ष भी, पार्टियां भी भड़का रही होंगी, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। मित्रों, हम वंदन करते हैं महाराणा प्रताप को जिसने राजस्थान की सत्ता का विस्तारीकरण किया और लड़ाई लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी और हिंदू महाराष्ट्र की सीमाओं को भी वृद्धिगत करने के लिए लड़ाई लड़ी। आज जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, ये प्रलोभनवादी, सत्तावादी लोगों को बिके हुए व्यक्ति होते हुए, ये इनके पीछे गुरु मर्यादा, गुरु संगत, इससे कोई इन्हें लेना देना नहीं है। ये इन्हें सिर्फ अपनी जो लालच प्रभु में आकर ये हमारे को आपस में फूट डाल रहे हैं। खालिस्तान कभी हमने चाहा नहीं है, कभी सिखों के इसमें ये कल्पना भी नहीं आ सकती कि हमारे को हमारा अलग राज्य होना। पूरा हिंदुस्तान हमारा है और सिखों का एक विशेष मैं कहूँगा क्या, सिख और सिखों का हमारा केसरी निशान साहब दुनिया में हर जगह फैलता है, कोई एक देश में एक जगह नहीं, पूरे दुनिया में हमारे गुरुद्वारे और हमारे केसरी निशान फैलते हैं और हमारे सिख बंधु दुनिया के कोने कोने में जाके खुद भी कमा कर खाते हैं और औरों को भी खिलाते हैं। कर्म करो, वन शको और नाम जपो, ये गुरु महाराज का संदेश है। अल्लाह वाहिगुरु हरि का नाम एक है, छूटे महमो वहमो में पड़ी है दुनिया, ये संदेश देने वाले हमारे गुरु, हमारा सिख पंथ। और उसके अंदर अगर ये लोग कुछ तत्व कहते हैं कि खालिस्तान, तो इनका हमारे समाज के लोगों ने इनमें ना आते हुए कड़क विरोध करना चाहिए। हर गुरुद्वारे में ये विषय को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए, क्या खालिस्तान ये हमारे सिख धर्म का उद्देश्य नहीं है, हमारी मांग नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। धर्म के आडंबर में आके गलत रास्ते में डालने वालों का हम विरोध करते हैं और
सिखों के अधिकारों को, सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने की बातें करने वाले या सिखों के धार्मिक भावनाओं को दुखाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने भी ये सोच के बोलना चाहिए कि 1984 में हमारे निर्दोष को मारा गया, ये भावना हमको इसलिए दुखती है कि जिस सिखों ने इसी हिंदू धर्म के लिए इतनी बलिदान आहुतियां दिया, उन पे ये अन्याय क्यों हुआ, ये दुखद घटना क्यों घड़ी, इसका भी विचार करो। सर्वोच्च दानी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिन्होंने पूरा सर्वोच्च दान कर दिया इसी देश और इस धर्म के लिए, भगत सिंह, उद्धव सिंह, करतार सिंह सराभा, जिन्होंने कहा सेवा देश दी जिंदगी है वड्डी औखी, सेवा कर दिया गल्ला कर दिया देर सुगल लिया वे, जिन्हें सेवा पायर पाया उन्हें लाख मुसीबत झलिया है। उन्होंने जो त्याग बलिदान किया वो क्या इसलिए कि हम खालिस्तान मांगे, खालिस्तान मांगना होता तो ये विषय कभी का निकला होता। मैं आज आप सबको अनुरोध करता हूँ कि ऐसे प्रचार करने वालों से सावध रहे। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल।